बापू जी को एक एक मिनट के लिए भी चिट, छोटे छोटे चिट्स जो है वो उनको देने पड़ते हैं, नहीं तो वो बात नहीं कर सकते, एक मिनट बात नहीं कर सकते। कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया है। उनका कहना है साफ तौर पर कि राहुल गांधी बिना चीट के कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। तो आइए सुनते हैं कंगना रनौत को किस प्रकार से अपनी बातों को सबके सामने रख रही है। जो है एक अपनी स्ट्राइक में ना लेकर जो है वो उससे भी इतना जलते हैं, उनकी उपलब्धियों से जलते हैं, छोटे छोटे चिट्स जो है वो उनको देने पड़ते हैं, नहीं तो वो बात नहीं कर सकते, एक मिनट बात नहीं कर सकते। राहुल गांधी जाति के विभाग पर ये बांटना, लोगों को मजहब के विभाग पर बांटना जो है ये किसका काम है, ये उनका विपक्ष का काम है। ये जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। ये सब जानते हैं कि आज हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके व्यक्तित्व की चर्चा ना कि सिर्फ हमारे देश में, पूरे विश्व में हो रही है। और अगर आज उनको पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता अगर कहा जाता है तो वो प्रधानमंत्री जी को कहा जाता है। लेकिन देखकर ये हमें बुरा लगता है कि हमारे खुद के देश के जो विपक्ष है उसको वो जो है एक अपनी स्ट्राइक में ना लेकर जो है वो उससे भी इतना जलते हैं, उनकी उपलब्धियों से जलते हैं, तभी इस तरह की जो है वो बातें कर रहे हैं। वरना जितना काम प्रधानमंत्री जी का, अगर आप भाषण सुनेंगे, अगर आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनेंगे एक घंटा, वो कभी पेपर नहीं देखते हैं। वो राहुल जी को एक एक मिनट के लिए भी चिट्स, छोटे छोटे चिट्स जो है वो उनको देने पड़ते हैं, नहीं तो वो बात नहीं कर सकते, एक मिनट बात नहीं कर सकते राहुल गांधी। और वो कह रहे हैं कि उनको मेमोरी लॉस नहीं है, आई थिंक उनको थोड़ी तहजीब होनी चाहिए बात करने की। मैडम, महाराष्ट्र चुनाव में कटेंगे तो बटेंगे, वोट जिहाद जैसे मुद्दे हैं, क्या लगता है इस मुद्दे के आधार पर बीजेपी जीत पाएगी? बीजेपी जो है अपने काम के आधार पर जीत रही है। और ये जो आपने मुद्दे बताए ये विपक्ष ने बोला है, उन्होंने खुद अपने वो गाढ़ा कब्र जिसे कहते हैं वो खोदी हुई है। उन्होंने ये जाति के विभाग पर ये बांटना, लोगों को मजहब के विभाग पर बांटना जो है ये किसका काम है, ये उनका विपक्ष का काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी वो इस स्टेट में उनकी पार्टी है, उनकी जो सरकार है, अगर उनको रिपीट किया जाएगा तो उनको काम के आधार पर रिपीट किया जाएगा। सेंसेशनलाइज इन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन जो जनता समझ गई वो उन लोगों ने, जनता ने अब जिनको कोई भाव दिया नहीं। कंगना जी, योगी आदित्यनाथ ने जो नैरेटिव सेट किया है बटोगे तो कटोगे, इसको लेके कांग्रेस काफी अग्रेसिव, उनका कहना है कि बीजेपी समाज को बांटना चाहती है। ये जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। एकता ही हमारी शक्ति, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस में हमें समझाया जाता है कि एकता ही हमारी शक्ति है, जब तक हम एक हैं तब तक नेक है, अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे, ये हर इंसान समझता है। और ये मैक्रो माइक्रो कॉस्म में, चाहे घर हो, हम परिवार में भी तो यही कहते हैं ना कि परिवार साथ में होना चाहिए, उसी तरह से जो है वो देश साथ में होना चाहिए। तो हमारा जो, हमारी जो पार्टी है वो, हमारी पार्टी जो है सनातनी पार्टी है, अपनी संस्कृति को, अपने देश को, सबको एक साथ, इनफैक्ट हमारी पार्टी तो चाहेगी तो पीओके भी एक साथ में लेके चलेंगे, यू नो, तो हमारी पार्टी तो सबको साथ में लेके चलने के लिए। लेकिन ये जो विपक्ष है ये बांटने की इनकी जो थी साजिश वो नाकामयाब हो रही है। तो हमने देखा बीजेपी सांसद कंगना किस प्रकार से राहुल गांधी को लेकर स्टेटमेंट दे रही है, और लगातार कंगना जो है इस प्रकार के बयान देती रहती है और सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट देती हुई वो हमेशा देखी गई है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।